इफ यू थिंक दैट गवर्नमेंट एग्जाम्स वेदर एस एस सी और यूपीएससी इज ओनली फॉर टॉपर्स इसके लिए एक महंगी कोचिंग चाहिए इसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए और ये बस टॉपर्स के लिए ये फेलियर्स के लिए नहीं है देन माई स्टोरी इज फॉर यू इफ आई टेल यू दैट एक स्टूडेंट जिसके इंजीनियरिंग में पांच बैग्स है उस पांच में एक बैग इसलिए है बिकॉज ऑन द डे ऑफ पेपर ही वॉज इन लॉकअप फॉर थ्री आर्स लोकल्स के साथ सम फाइट की वजह से इफ आई टेल यू एक स्टूडेंट जिसने कोचिंग की फीस तो जमा की बट फिफ्टीन डेज बाद वो कोचिंग नहीं गया जस्ट फॉर नो रीज़न ऐसा फेलियर केयरलेस एमलेस लड़का एस एस सी निकालने की सोच रहा है वो भी इंस्पेक्टर्स पोस्ट इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मेजोरिटी ऑफ द पर्सनस कहेंगे तुमसे ना हो पाएगा उस एक इंसिडेंट ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी मैंने पहली बार लाइफ को सीरियसली लिया आई फिल्ट डीमोटिवेटेड डिजेक्टेड अलोन मुझे लगा लाइफ में कुछ बचा ही नहीं हैलो एवरी वन आई एम अजय प्रताप वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफ टू थाउजेंड फिफ्टीन बैच टॉकिंग अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड माई फादर इज अ लेक्चरर इन इंटर कॉलेज माई मदर इज नो मोर शी वॉज अ हाउस वाइफ एंड मैं काफ़ी एक डू well फैमिली से हूँ गाइज क्लास नाइन तक मैं काफ़ी मेरिटोरियस स्टूडेंट था इवन एक यूनिट टेस्ट में भी मैं फेल नहीं हुआ था क्लास टेंथ में मैं गया हाफेरली एग्ज़ाम्स दो सब्जेक्ट में फेल प्री एनुअल एग्जाम्स दो सब्जेक्ट सेम टू सब्जेक्ट्स में फ़ेल मैं लाइफ में कभी फेल हुआ नहीं था आई वॉज़ वेरी अपसेट मुझे लगा ये क्या हो गया एनी हाउ आई क्लियर माई बोर्ड एग्जाम्स दोस्तों ने कहा टेंथ के बाद स्कूल चेंज करते हैं फ्रॉम आई सी एस सी बोर्ड टू सी बी एस सी बोर्ड लाइफ में कुछ एम था नहीं मैंने कहा ओके नो इशूज मैंने स्कूल चेंज किया बट जो फेल होने का पैटर्न था दैट डिट चेंज मैं इलेवेंथ के हाफ ईयरली से ट्वेल्थ के प्री एनुअल्स तक कंटिन्यूसली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में फेल हुआ एक्सेप्ट इलेवेंथ के एनुअल में जिसमें मैं बस एक सब्जेक्ट में फेल था एंड आई पास सप्लीमेंट्री एग्जाम एनी हाउ मैंने ट्वेल्थ का बोर्ड क्लियर किया विद एवरेज मार्क्स आफ्टर पासिंग ट्वेल्थ अगेन लाइफ में कुछ एम नहीं था दोस्तों के साथ बीटेक करने का प्लान बना इंजीनियरिंग आईआईटी आई आई ट्रिपल ई अपने बस का था नहीं गॉड सेलेक्टेड थ्रू यू पी ट्वेंटी टू थाउजेंड रैंक गाइज इंजीनियरिंग में मेरी टोटल पांच बैग्स आई दैट टू उसमें एक बैग

एज अ रिजल्ट मेरे गेट में माइनस फोर मार्क्स आए गाइस लक्ली किसी तरीके से मेरा एक कंपनी में प्लेसमेंट हो गया बट पैकेज वाज नॉट दैट गुड सो आई लेफ्ट मैंने सोचा अभी और कंपनीज आएंगी उसमें ट्राई करेंगे अनफॉर्चुनेटली मेरा और तीन कंपनीज में रिटर्न तो निकला बट इंटरव्यू आई वॉज रिजेक्टेड सो बेसिकली एट द एंड ऑफ इंजीनियरिंग इट वॉज लाइक ना मेरे पास कोई जॉब थी ना मेरे पास लाइफ में कोई एम था मैं अपने घर गया नेटिव कॉलेज पास करके मैंने अपने मदर से बात की कि मैं कुछ तैयारी करना चाहता हूँ मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एस के बारे में बताया था ही टोल्ड मी दैट ओके यू आर क्लियरिंग द रिटन आपका एप्टीट्यूड अच्छा है आप एस करो मैंने उसके सिलेबस देखा मैंने उसकी पोस्ट देखी एंड आई थॉट ओके इट इज़ माई कप ऑफ टी मैं प्रिपरेशन करूंगा मैंने अपने मदर से बात की शी वॉज रेडी मैं डेली आया मैंने कोचिंग ज्वाइन की पैरा मैंने रूम लिया ना स्टार्टेड गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मेरी एकेडमिक लाइफ स्मूथली चल रही थी मैं कोचिंग अटेंड कर रहा था मेरी तैयारी अच्छे से हो रही थी एंड आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं एसएससी क्लियर कर लूँगा बट वन डे मैं कोचिंग से लौटा रात में और मेरे घर से फ़ोन आया मेरे फादर का और मेरे दादी का कि आप जल्दी घर आ जाओ आपके मदर की तबीयत ठीक नहीं है एंड वो आपको याद कर रही हैं मैं घबरा गया और मैं तुरंत ट्रेन पकड़ के भागा गाइस जब मैं घर पहुंचा तो मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी शी वाज नॉट वेल पंद्रह बीस दिन तक वो हॉस्पिटल में रही, शी वाज रिकवरिंग धीरे धीरे वो रिकवर कर रही थी बट सडनली आफ्टर एटीन ट्वेंटी डेज़ एक दिन उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई इतनी खराब कि हमें उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली आफ्टर फाइव डेज ऑफ शिफ्टिंग इन अनदर हॉस्पिटल शी एक्सपायर्ड गाइज उस इंसिडेंट ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी आई वॉज लाइक सब कुछ खत्म हो गया आई वेंट इन शेल आई फेल्ट डीमोटिवेटेड डिजेक्टेड मैं काफी अकेला महसूस करने लगा पहली बार मुझे लाइफ में जो मैंने कैंपस प्लेसमेंट छोड़ा था उसका मुझे पछतावा हुआ कि काश मैंने वो जॉब कर ली होती तो अपने मदर के लिए मैं कुछ कर पाता समथिंग आई को डू फॉर हर दो महीने मैं अपने घर पे था एंड मेरी कोचिंग छूट गई थी मैं डेली आया मैंने कोचिंग छोड़ दी क्योंकि मेरी दो महीने ब्रेक हो गए थे कोचिंग से मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था मुझे रात में भी अच्छे से नींद नहीं आती थी आई यूज टू गो टू टेम्पल्स मैं कभी पूजा नहीं करता था बट मैं टेम्पल जाता था शाम को एक दो घंटे बैठा रहता था कुछ सोचता रहता था Guys, इन सब कन्फ्यूजन के बीच एस ने भी अपना प्री एग्जाम पोस्टपोन कर दिया सो so, अब मेरी लाइफ एक बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में थी मेरे पास कोई एम नहीं था फिर जो तीन चार महीने मैंने स्पेंड किए थे अपने मदर के एक्सपायर होने के बाद इट वॉज लाइक अ पनिशमेंट टू मे एनी हाउ आई गैदर्ड माई सेल्फ आई कलेक्टेड माई सेल्फ और मैंने एक डिसीजन लिया पहली बार लाइफ में मैंने कुछ पॉजिटिव डिसीजन लिया और वो ये था एस एस सी करना है एस्पेक्टस पोस्ट क्रैक करनी है मैंने पूरी प्रॉपर प्लानिंग बनाई अभी एस एस सी ने डेट्स निकाली नहीं थी जस्ट टू एंगेज माई सेल्फ मैंने बैंक के भी फॉर्म भरे मैंने डेली एस आई का भी फॉर्म भरा ताकि मेरा पढ़ाई का फ्लो ना छूटेज नियर अबाउट टू थ्री मंथ्स आई प्रिपेयर फॉर बैंक एज वेल एज डेली एस आई मुझे याद है मैंने अपना बैंक का रिटर्न दिया इट वॉज वेरी गुड प्लस सेम हैपेंड डेली जब मैं दोनों पेपर दे के निकला आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं क्लियर कर लूंगा बैंक के पेपर के तीन दिन बाद एस एस सी ने अपनी डेट्स अनाउंस की प्री की प्री ऑफ टू थाउजेंड फोर्टीन मैं बहुत खुश था क्योंकि एस एस सी ही मेरा एक्चुअल एम था बैंकिंग एंड डेली एस आई वर जस्ट अ टेम्परे मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की एक महीने टाइम था मेरे पास मैंने अपने कोचिंग के मटेरियल्स पढ़े प्लस हर सब्जेक्ट की सिंगल सिंगल बुक पढ़ी उसको रिवाइज किया मैंने मार्क्स दिए मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पढ़े इतना पढ़ने के बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं एस प्री मिनिमम वन थर्टी फाइव पाकर क्रैक कर लूँगा इवन इन मार्क्स मेरे वन प्लस आ रहे थे गाइज मैंने लाइफ में बहुत मजाक किया था मुझे उसकी सबसे कठिन शिफ्ट मिली मैं या मेरे साथ जितने भी लोग उस शिफ्ट में एग्जाम दिए मेजोरिटी नाइनटी नाइनटी फाइव परसेंट बिकेम होपलेस उस समय कोई नॉर्मलाइजेशन था नहीं मैंने अपने मार्क्स कंपेयर किए मैं कट ऑफ से मुश्किल से एक दो मार्क्स ज्यादा पा रहा था या किसी में मैं कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पा रहा था अगेन आई वॉज कन्फ्यूज उसी बीच मेरा बैंकिंग का रिजल्ट आया आई क्लियर आई क्लियर द रिटर्न एग्जाम एक्चुअली मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन वन बैंक आर आर बी रीजनल रूरल बैंक बट मेरा एम था एस एस सी सो अगेन आई वॉज वेटिंग फॉर प्री रिजल्ट गाइज मैं बहुत कन्फ्यूज था कि मैं प्री के लिए पढ़ूँ नेक्स्ट ईयर या मैं इस साल के मेन्स के लिए पढ़ूँ वो एस निकालने की सोच सकता है दैट इज़ नॉट आ ईजी जॉब बट स्पेक्टस पोस्ट का सोचना ये बहुत ही डिफिकल्ट है मैंने अपना माइंड मेकअप किया के आई एल गिव माई बेस्ट शॉट एंड आई विल ट्राई फॉर स्पेक्टस पोस्ट मैं अपने नेटिव में था अगले दिन मैं दिल्ली गया एंड मैंने एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई कि कैसे मुझे थर्टी डेज में दैट इज जब मेरा प्री का रिजल्ट आया उसी दिन मेन्स की डेट अनाउंस हुई और उन दोनों के बीच में थर्टी वन डेज का गैप था जस्ट थर्टी वन डेज का इस मैंने स्ट्रेटजी बनाई कैसे मुझे थर्टी डेज में मेन्स क्लियर करना है मैंने मैथ्स की एक सिंगल बुक ली इंग्लिश की बुक ली मैथ्स का मैंने पैरामाउंट का रिविजन बुक ली इंग्लिश की प्लस इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ऑफ बोथ मैथ और इंग्लिश वो दोनों मैंने नेट से डाउनलोड किए प्लस फिजिकल कॉपीज ली एलोंग विद आई स्टार्ट गिविंग मार्क्स गाइज आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे वो एस एस सी हो यूपीएससी हो प्रीवियस ईयरस पेपर्स प्लस मॉर्स दे आर द कीस प्लस यू ट्राई टू रिसोर्स यू ट्राई टू लिमिट योर रिसोर्सेस आप पाँच बुक से मत पढ़ो आप एक या दो बुक्स पढ़ो बट उसको रिवाइज करो और सेम स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की मैंने मैथ्स की सिंगल बुक ली बस उसको दो बार रिवाइज किया मैंने इंग्लिश की सिंगल बुक पढ़ी बट उसको दो रिवाइज किया और जो कहते हैं कि दिन रात एक करना लिटरली मैंने उस तीस दिन में दिन रात एक किया मैं रात में दस बजे पढ़ने बैठता था एंड कंटिन्यूसली टिल मॉर्निंग एट ओ क्लॉक बीच में दो ब्रेक चाय के मैं दिन में सोता था अगेन दिन में करीब तीन से छ मैं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लगाता था प्लस गाइस मैं आधे एक घंटे अपने वर्कआउट को भी देता था ताकि मैं फ्रेश रहूं अगले दिन के लिए मेरी मेहनत रंग लाई एंड बाय गॉड्स ग्रेस लकीली आई क्लियर मेंस विद वेरी गुड मार्क्स मेरे मेंस में इतने अच्छे मार्क्स आ गए थे कि अब मुझे इंटरव्यू में बस एवरेज मार्क्स चाहिए थे इंस्पेक्टर्स पोस्ट पाने के लिए बट दैट इज़ वेयर आई बिकेम लिटिल लीनियंट गाइज मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया मैंने इंटरव्यू को बहुत लाइटली मिली है मैंने उसके लिए कोई कोचिंग नहीं की मैंने सेल्फ स्टडी की सेल्फ पढ़ाई की और द वर्स्ट पार्ट मैंने कोई मॉक नहीं दिया बिना कोई मॉक दिए मैं डायरेक्टली इंटरव्यू देने चला गया प्लस मेरा इंटरव्यू का सेंटर डेली ना पढ़ के किसी और जगह पढ़ गया था और उस सेंटर पे मार्क्स बहुत अच्छे मिलते नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली आई गॉट ओनली थर्टी थ्री मार्क्स दैट इज थ्री मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स बिकॉज ऑफ दोस्त थर्टी थ्री मार्क्स और मेरी वो इंटरव्यू में लापरवाही उसकी वजह से आई मिस्ड पोस्ट जस्ट बाईन मार्क्स मेरा रिजल्ट आया जब मेरा रिजल्ट आया उसके और टाइम बचा था मुझे कैग में ऑडिटर पोस्ट मिली आई सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड इन सेंस मुझे वो जो 30 डेज की प्रिपरेशन थी इट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया साथ ही मेरी स्ट्रेटजी क्लियर हो गई कि मुझे क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है मैंने सेम स्ट्रेटजी फॉलो की सेम बुक मैंने रिवाइज की मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लगाए प्लस आई गेव लॉट ऑफ मॉक्स इनफैक्ट लास्ट के दस दिन मैं बस मॉक्स ही देता रहता था प्लस एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा पढ़ते समय इफ अगर मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसको मैं रिवाइज़ मार्क कर लेता था और उसको मैं दोबारा एक बार रिवाइज जरूर करता था गाइज बिकॉज ऑफ दिस हार्ड वर्क अगली बार 2015 मेंस में मेरे पिछली बार से भी ज़्यादा मार्क्स आए बट इंटरव्यू वॉज लेफ्ट और दिस टाइम मैंने इंटरव्यू को काफ़ी सीरियसली लिया मैं आप सबको बताना चाहूंगा कोई भी एस्पिरेंट्स चाहे वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएससी और फॉर दैट मैटर एनी एग्जाम एनी बैंक एनी गवर्नमेंट एग्जाम इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आप तैयारी करो साथ में बिफोर गेटिंग द द फाइनल बिफोर गिविंग एग्जाम इंटरव्यू एग्जाम एटलीस्ट मॉक्स वो एक या दो मॉक्स आपको कॉन्फिडेंस देते हैं प्लस आपकी गलती बताते हैं कि आप कहा गलत कर रहे हो पहली बार मैंने मॉक नहीं दिया था जिसकी वजह से आई मिस द एस्पेक्ट पोस्ट दिस टाइम आई गेव टू मार्क्स उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा एंड दिस टाइम आई गॉट फिफ्टी सिक्स मार्क्स एन इंटरव्यू सेम रीजन में दिस टाइम ऑल्सो मेरा सेंटर डेली नहीं था इट वॉज द सेम रीजन बट आई गॉट फिफ्टी सिक्स जब मेरा रिजल्ट आया तो उसके मेरे नेम के आगे लिखा था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर विच मेड मी फील प्राउड बेसिकली टू ऑलेंट्सरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम मेनली आई एम फोकसिंग ऑन एस एस सी अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट थिंग इज डोंट चेक योर एकेडमिक बैकग्राउंड अगर आप फेल हुए हो यू आर नॉट अ टॉपर इवन आप एवरेज एवरेज स्टूडेंट हो नो इशू यू गो फॉर प्रिपरेशन अगर आपके पास कोचिंग करने के पैसे नहीं हैं नो इशूज विदाउट कोचिंग एस एस सी यू पी एस सी या फॉर दैट मैटर एनी बैंक एग्जाम एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किए जा सकते हैं सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप कितने घंटे पढ़ रहे हो यह मैटर नहीं करता क्वान्टिटी ऑफ टाइम डजेंट मैटर क्वालिटी ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट अगर आप दिन में पंद्रह घंटे पढ़ रहे हो बट आपकी एफिशियंसी फिफ्टी परसेंट है बेटर यू रीड टेन आवर्स बट विथ हंड्रेड परसेंट एफिशियंसी विथ सेंट परसेंट एफिशियंसी थर्ड थिंग इज आप अपने रिसोर्स को लिमिटेड रखो डोंट गो फॉर फाइव सिक्स सेवन बुक्स जस्ट टेक मैक्स वन और टू बुक्स उसको आप रिवाइज करो दैट इज इंपॉर्टेंट आपने जितना भी पढ़ा है उतना आपको याद होना चाहिए फोर्थ थिंग नेवर टेक इंटरव्यू लाइटली इंटरव्यू आपकी रैंक डिसाइड कर सकता है वाइज वर्षा इंटरव्यू देने से पहले एटलीस्ट गिव टू मॉक्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑलवेज कीप कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ जब तक आपको लगता है कि आप क्रैक कर सकते हैं आप लगे रहिए। आप जो स्टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी लाइफ और करियर को लेके सीरियस हो और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि सीजीएल सीएचएसएल सीडीएस सीपीओ सीएपीएफ एनडीए जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के बारे में भी सोच रहे होंगे रिटन एप्टीट्यूड और स्पोकन तीनों की आवश्यकता होती है चाहे एग्जाम हो या इंटरव्यू इंग्लिश तो जरूरी है ही मैंने जो स्टॉक्स के साथ मिलकर बनाया है इंग्लिश फॉर गवर्नमेंट जॉब्स का एक कोर्स जिसमें मैं एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश जैसे कि एप्टीट्यूड वोकैबलरी कॉम्प्रिहेंशन इसकी तो तैयारी करा ही रही हूँ पर साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए एक माहौल दे रही हूँ जहाँ आप बिना डरे बिना शर्माए अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इंग्लिश सीखना तो आप ये कोर्स शुरू कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें Josh Talks is now a Spotify exclusive podcast. The audio version of our talks will be available only on Spotify. If you like this video and you like to listen to more inspiring stories like this please follow the Josh Talks podcast only on Spotify. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.